दोस्तों, यूं तो प्रकृति में न जाने ऐसे कितने ही जीव जंतु हैं जिनसे हमें बेहद डर लगता है, फिर चाहे छिपकली हो या कॉकरोच, आप हो या फिर कुछ और, हर इंसान का डर अलग अलग है। लेकिन आज हम आपको किसी सांप या छिपकली के बारे में नहीं बताने वाले, बल्कि हम आपको कुछ ऐसे कीड़ों के बारे में बताने वाले हैं जो भले ही देखने में आपको बड़े छोटे टिंगू से लगे, लेकिन यकीन मानिए बेहद ही खतरनाक और घातक होते हैं ये। अब आप कहेंगे कि यार भला कीड़ों से कैसा डर, लेकिन दोस्तों प्रकृति ने कुछ कीड़े ऐसे बनाए हैं जिनके बारे में जब आप जानेंगे ना, तब आपको अंदाजा लगेगा कि वाकई में छोटे से दिखने वाले कीड़ों की ये प्रजाति आखिरकार कितनी खतरनाक है। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और बताते हैं उन कीड़ों के बारे में विस्तार से जो दुनिया के सबसे खतरनाक कीड़े हैं। बुलेट आंट। दोस्तों, मिलवाते हैं आपको एक ऐसी चींटी से जिसके काटने से आपको ऐसा दर्द महसूस होगा कि मधुमक्खी का दर्द भी आपको फीका लगने लगेगा। जी हाँ, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। इन चींटियों का नाम है बुलेट आंट। अब आपको नाम सुनकर ही अंदाजा लग गया होगा कि ये कितनी खतरनाक होगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये चींटी खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि इसके डंक में काफी दर्द देने की क्षमता होती है। इनके डंक से आपको इतना असहनीय दर्द महसूस होता है कि आप अगले 24 से 48 घंटों तक भी राहत की सांस नहीं ले पाते हैं। इनका डंक मधुमक्खियों के मुकाबले 30 गुना ज्यादा दर्दनाक होता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके डंक से कितना असहनीय दर्द होता है। तो क्यों, क्या अब भी आपको ये कोई साधारण चींटी नजर आती है? बॉट फ्लाई। अगर इस कीड़े के नाम में फ्लाई लगा हुआ है तो देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि ये कोई आम सा मक्खी की तरह ही है ना? तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये साधारण मक्खी से बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, बॉट फ्लाइज मुख्य रूप से मध्य व दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जब भी किसी इंसान को काट लेते हैं ना, तो अपनी लार्वा से इंसानों के स्किन के अंदर कुछ पैरासाइट्स छोड़ देते हैं, जिससे इंसान अपने शरीर में कुछ चलते हुए भी महसूस कर सकते हैं, और ये लार्वा धीरे धीरे इंसान के शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा कर देता है। इससे आपकी स्किन के अंदर एक अलग तरह की ईचिंग पैदा हो सकती है जो आपको काफी परेशान कर सकती है। तो दोस्तों, हम आपसे तो यही कहेंगे कि यार इनसे बच के रहना। फनल वेब स्पाइडर। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाई जाती है और मकड़ियों की ऐसी प्रजाति है जिसके काटने पर अगर इंसान इलाज ना कराए ना, तो उसकी मौत तक हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये इतनी जानलेवा है कि आपको मौत का रास्ता दिखा सकती है। इनका ये नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है, क्योंकि इनका जाल कीप यानी कि फनल जैसा दिखाई देता है। ये दिखने में 1 से 5 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये ठंडी और नमी वाली जगहों में रहना पसंद करते हैं। इनके दोनों डंग यानी कि फैंग एक दूसरे की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और इतने मजबूत होते हैं कि इंसानों के नाखून पर भी डंक मार सकते हैं। फनल वेब स्पाइडर की 35 के करीब प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 6 ऐसी हैं जो इंसानों को यमराज से मिलवा सकती हैं। जी हाँ, तो यकीन मानिए इनसे दूरी बना के रखिए, इसी में आपकी भलाई है। स्कॉर्पियन। बिच्छू का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे लोगों को नानी याद आ जाती है। हो सकता है कि आप भी उन्हीं में से एक हों जिन्हें बिच्छू का नाम सुनते ही डर सताने लगता है। दोस्तों, बिच्छू वाकई में एक ऐसा खतरनाक कीड़ा है जो बेहद ही खौफनाक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया भर में बिच्छुओं की 1700 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, और सभी में कुछ मात्रा में जहर होता है, लेकिन 25 प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनके जहर से इंसानों की मौत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, जहरीले बिच्छू अधिकतर गर्म जगहों जैसे कि रेतीले जगहों में पाए जाते हैं। डेथ स्टॉकर और इंडियन रेड स्कॉर्पियन उन जहरीले बिच्छुओं का उदाहरण है जिनके डंक से इंसानों की मौत हो सकती है, इसीलिए लोग इनके नाम से भी दूर भागते हैं, और अगर कोई बिच्छू किसी इंसान को काट ले तो अफरा तफरी मच जाती है। क्यों, अब लगा ना आपको इनसे डर? जाइंट जापानीज हॉर्नेस्ट। इसका ये नाम इसके आकार की वजह से रखा गया है। ये 2 इंच तक के होते हैं और ये दुनिया के हॉर्नेस्ट की सबसे बड़ी प्रजाति है। ये झुंड बनाकर ही रहते हैं और इसके एक कॉलोनी में 700 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। हालांकि ये इंसानों पर अधिक हमला नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा आक्रामक नहीं होते हैं, लेकिन इनके डंक में इतनी ताकत होती है कि ये इंसानों की जान तक ले सकते हैं या इंसानों के शरीर को अंदर से गलाने लगते हैं, जिससे इंसान अपाहिज
तक हो सकता है। हर साल अपने बचाव के लिए ये इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत से इंसानों की मौत भी हो जाती है। ये खाने में अधिकतर शहद वाली मधुमक्खियों को खाना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक मिनट में 40 मधुमक्खियों को खाने की क्षमता रखते हैं। क्यों अब लगा ना आपको इनसे डर? किसिंग बग। चलिए दोस्तों, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला खतरनाक कीड़ा कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, नाम के आगे किसिंग लगा होने से आप ये मत समझिएगा कि ये कोई फ्रेंडली कीड़ा है जो आपको आके प्यार से पप्पी लेगा। अरे नहीं यार, बल्कि जब ये आएगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे ये जान लेने के बाद कि ये कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खून चूसने के लिए जाना जाता है। और तो और, इसे किसिंग बग इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये हमेशा इंसानों के होठों से खून चूसता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद इसे ये वाला हिस्सा काफी नरम लगता है और खून चूसना आसान होता है। लेकिन जब भी ये किसी का खून चूसता है तो शरीर में ट्राइपनोसोमा क्रूजी नाम का पैरासाइट छोड़ देता है। किसिंग बग से होने वाली बीमारियों को चंगास कहा जाता है और चंगास के कारण हर साल 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। क्या अब भी आपको ये कीड़ा खतरनाक नहीं लगा? बुलडॉग आंट। आपको बता दें कि इन चींटियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों की प्रजाति माना गया है। इसके आक्रामक और निडर स्वभाव के कारण इसे ये नाम दिया गया है। ये चींटियां ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के तटीय इलाकों में पाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि ये काटते समय अपने डंक और जीभ दोनों का इस्तेमाल करती हैं और खतरा महसूस होने पर ये एक ही बारी में बहुत सारे डंक मार लेती हैं और हर डंक के साथ जहर शरीर में छोड़ देती हैं। इसके इसी स्वभाव के कारण ये एक वयस्क इंसान की मौत 15 मिनट में भी करवा सकती हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात तो यह है कि ये बहुत ही कम संख्या में पाई जाती हैं और इसी कारण इंसानों से इनका सामना बहुत कम बार होता है। लेकिन जितनी भी बार ये इंसानों को अपना शिकार बनाती हैं, यकीन मानिए उतनी बार उन्हें बुरी तरह घायल कर देती हैं। तो अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया जाएं तो इनके आसपास भूल कर भी मत जाइएगा दोस्तों। किलर बी। इसके नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना जानलेवा है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये मधुमक्खियां प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। जी हाँ, ये वैज्ञानिकों द्वारा अधिक शहद की उम्मीद में ब्राजील के लैब में यूरोपियन और अफ्रीकन शहद वाली मधुमक्खियों के मिश्रण से बनाई गई है। लेकिन ये वैज्ञानिकों की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाई और कम शहद देने वाली लेकिन ज्यादा आक्रामक मधुमक्खियों की प्रजाति बन गई। और कुछ समय बाद कुछ मधुमक्खियां लैब से भाग गईं और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गईं। ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं और हर कॉलोनी में 80,000 के करीब सदस्य होते हैं। हालांकि इनका डंक ज्यादा जहरीला नहीं होता है, लेकिन ये झुंड में हमला करते हैं और शिकार या इंसानों का एक मील तक पीछा करते हैं और इंसानों की आंख या कान वाले हिस्से में सबसे पहले हमला करते हैं। इसी कारण हर साल बहुत से लोगों की मौत किलर बीज के काटने की वजह से हो जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कितनी खतरनाक और जानलेवा है, लेकिन है ये इंसानों की देन। टीसेट से फ्लाइज। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले नंबर पर कौन सा खतरनाक जानवर है। दोस्तों, ये है टीसेट से फ्लाई, जो कि अफ्रीका में पाई जाती है। ये इंसानों और जानवरों का खून चूसती है और उनके शरीर में एक खतरनाक जहर छोड़ देती है। इस जहर से इंसानों को कुछ देर में नींद आने लगती है और अगर समय पर इलाज ना किया जाए ना तो उस इंसान की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और टीसेट से की जहर की वजह से उसकी मौत हो जाती है। जी हाँ, ये कितना जानलेवा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मात्र अफ्रीका में इसकी वजह से हर साल लगभग 5,00,000 के करीब मनुष्यों की मौत हो जाती है। इनसे बचने के लिए लोग काफी प्रयास भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो सोचिए कि इनका जहर कितना जानलेवा साबित हो सकता है। मॉस्किटो। दोस्तों, लिस्ट में टॉप पर एक ऐसा कीड़ा है जिसे हर कोई जानता है और अच्छे तरीके से पहचानता भी है। जी हाँ, आप इसकी फोटो देखकर समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मच्छर कीड़ों की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से सबसे ऊपर मानी जाती है। और आपको बता दें कि ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे से ये जीव डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी फैलाते हैं, जिस कारण दुनिया में हर साल 7,00,000 से 10,00,000 तक लोगों की मौत हो जाती है, जो कि किसी भी कीड़ों या जानवरों के मुकाबले बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है। मच्छर लोगों का खून तो चूसते ही हैं और अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आते हैं और इंसानों के शरीर में डाल देते हैं, जिससे इंसान को जानलेवा बीमारी होने का खतरा होता है। मच्छर ज्यादा खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं।
एक रिसर्च के अनुसार मच्छर धरती के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसीलिए अगर इनकी प्रजाति को पूरा खत्म भी कर दिया जाए तो भी धरती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनको खत्म करने के लिए बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इन्हें खत्म करना नामुमकिन सा हो गया है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आपको रूबरू करवाया दुनिया के ऐसे ऐसे खतरनाक कीड़ों से जिनके संपर्क में आने से आपकी मौत तक हो सकती है और आप बुरी तरह से घायल भी हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए।